रहीम जी, स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा, मैं लास्ट टाइम किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको बताया था इसमें क्वाड्रेटिक क्वीन होगी। सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वीन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आपने इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लास्ट टाइम हमने किया था कि कैसे हम एक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। अब दूसरा मेथड ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और नंबर 3 पे है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इसमें ये होता है कि जो क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर से मुराद ये होता है कि इसमें एक्स नहीं होता और उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे लिखे 7x² + 2x = 1। अगर पहले भी राइट साइड पे होगा तो फिर आपको ये करनी जरूरत नहीं है, और एक्स को भी हमेशा 1 होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 है। तो 7 को हमने यहाँ से खत्म करना है। तो कैसे खत्म होगा कि इसको 7 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एफ। आपने क्या करना है कि 7 पे इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है। तो यहाँ पे आएगा 7x² ओवर 7, 2x ओवर 7, 1/3। वो इतनी किया कि हमने 7 को खत्म करना था, और 7 होता है। सपोज यहाँ पे अगर 5 होता तो आपने इसको 5 पे डिवाइड करना था, अगर 9 होता तो इसको 9 पे डिवाइड करना, 7 को 7 से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आएगा x². अब 2 और 7 की कटिंग नहीं होती, तो इसको आपने ऐसे ही लिखना है 2/7x, और यहाँ पे 1/7। अब हमने दो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। एक फॉर्मूला ये है कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b² अगर यहाँ पे माइनस, तो 2 के साथ माइनस लगा देते हैं। तो इसको आप लिखेंगे x का होल स्क्वायर फिर प्लस 2। ए आपके पास एक्स है, बी इस नंबर का आपने हाफ करना है। इसका क्या करना है, हाफ। हाफ से मुराद ये होती है कि जिस नंबर का भी हाफ करना हो उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 का हाफ क्या होता है, 4 का हाफ 2 होता है, तो उसको हम 2 पे डिवाइड किया, 2। तो 2/7 को 2 पे डिवाइड करें, 2/7 ओवर 2, तो 2 को 2 से कैंसिल करते हैं, तो 1/7। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/7 2ab, और आगे क्या होता है, b का स्क्वायर, तो 1/7 का होल स्क्वायर। अब आपने ये 1/7 ऐसे ही लिखना है प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। जी यहां तक क्लियर है आपको? पहले a का स्क्वायर प्लस 2a आपके पास x है, तो पहले b कह के जो नंबर x का कोफिशिएंट होगा उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। 2/7 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1/7 होगा, 1/7 का होल स्क्वायर, ये ऐसे 1/7 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए आपके पास है a² + 2ab + b², ये सारा किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर। a यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x+, और डी है 1/7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूले को आपने बंद कर दिया, फॉर्मूला क्लोज कर दिया। 1/7 ऐसे लिखेंगे फर्स्ट वाला, और ये होगा 1/49। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 7 का 7, 7 का 49 होता है। उसके बाद इसको आपने ऐसे लिखना है एलसीएम ले लें आप, एलसीएम 49 होगा, 7 और 49 का, क्योंकि 7 7 का 49 होता है, 7 7 का 49, यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर आपने ये ऐसे लिखना,
48/49। हमने स्क्वायर को खत्म करना है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट करते हैं हम। तो स्क्वायर रूट ले लें इसका बोथ साइड पे, अब ये से कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। अब 8 के आपको फैक्टर बनाने हैं, 8 जो है 2 पे जा रहा है, 2 4 का 8, 2 2 का 4 और 2 1। ये इसका पेयर बन रहा है और ये सिंगल, तो 2 का स्क्वायर इनटू 2 हम इसको लिख सकते हैं और 49 का स्क्वायर रूट जो है ये आपको पहले ऐसे लिख लें। अब x प्लस 1/7 होल स्क्वायर ये होगा 2√2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। अब आपके पास हमें x चाहिए तो इस 1/7 को आप इस साइड पे ले आइए, इधर ये प्लस बनता है उधर ये क्या होगा माइनस होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/7 प्लस माइनस 2√2 ओवर 7। अब इसका एलसीएम भी 7 ही होगा, तो माइनस 1 प्लस माइनस 2√2। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 2√2 ओवर 7। तो ये इस मेथड को कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। एग्जाम में या कोई क्वेश्चन आपको दी होती है उसको आपने सॉल्व करना होता है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर दें। अगर आपने उसे नहीं करना तो बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कर दें। और तीसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीनों में आंसर सेम ही होते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ये होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको दी गई है उसकी फैक्टराइजेशन करें। अगर उसे सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप सॉल्व करते जाएंगे वो बेहतर है। ये ना लेंथी मेथड है लेकिन ये आपको आना चाहिए। तो इसका जो पार्ट टू है वो आपकी असाइनमेंट है, आपको खुद करना है, और उसके बाद पार्ट थ्री भी आपकी असाइनमेंट है वो भी आपको खुद करना है, पार्ट 4, 5, 6। तो पार्ट 4 हम कर देते हैं इसका। तो ये असल में क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूव है। यहाँ पे a, b और c भी हो सकता है, तो आप इसको सोल्व कर दें, l रिप्लेस कर देंगे a के साथ, m b के साथ और n c के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इस कोएफिशिएंट को लेके जाएंगे, ये इस तरह हो जाएगा कोई l x स्क्वायर प्लस m x प्लस n, प्लस एन जो जगह क्या होगा माइनस है। अब इसका कोफिशियंट एल है तो आपने एल पे डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा एल एक्स स्क्वायर ओवर एन एम एक्स ओवर एन माइनस एन ओवर
एल पे सबको डिवाइड कर देंगे, एल पे इसलिए किया क्योंकि इसको कोफिशिएंट किया है एल है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी कोफिशिएंट हो फाइव हो तो फाइव पे डिवाइड कर दे, थ्री है थ्री पे डिवाइड कर दे। अब एल को एल से कैंसिल कर दें तो ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर एम ओवर एल एक्स इक्वल टू माइनस एम ओवर। अब उसके बाद फार्मूले को आपने बंद करने से लगी ए का स्क्वायर प्लस टू ए आपके पास एक्स है, बी का पता नहीं चल रहा, इसको आपने टू भी डिवाइड कर दें। जब इसको टू भी डिवाइड करेंगे तो ये होगा एम ओवर टू एल। अभी एम ओवर टू एल जब आप टू टू से कैंसिल कर देंगे तो ये यही बन जाएगा एम एक्स ओवर एल, और इसका स्क्वायर भी ऐड करेंगे m over 2l इसका स्क्वायर और माइनस n over l प्लस m over 2l। अब ये फार्मूला बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको आप बंद कर दें a प्लस इसका होल स्क्वायर होगा माइनस एन ओवर एल स्क्वायर, ओपन करें एम स्क्वायर ओवर फोर एल स्क्वायर। अब इसको तो आप ऐसे लिख रहे हैं इस कैल्शियम ले लें आप, इस कैल्शियम आएगा फोर एल स्क्वायर, इसको इसे मल्टीप्लाई करें ये होगा माइनस फोर एल स्क्वायर एन, इसको आप एलसीएम को ऊपर वाला वैसे ही आ जाता है प्लस एम स्क्वायर। उसके बाद ये तो ऐसे ही आएगा, और पहले आपको तीन से लिख रहे एन स्क्वायर पहले लिख रहे इसको लेफ्ट साइड को ऐसे लिखे और इसका स्क्वायर रूट ले ले, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एक्स प्लस एम ओवर टू एन प्लस माइनस एन स्क्वायर पहले आएगा माइनस आपने इसको साइड ले जाना है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, मुझे उम्मीद है कि आप उसको अच्छी तरह करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करें बार बार। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़।